नमस्कार दोस्तों, आज एनटीएससी के मेंटल एबिलिटी टेस्ट के इस वीडियो श्रृंखला में इस वीडियो में हम पैटर्न खोजने के पार्ट को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे। इस पार्ट में हम एनटीएससी के मेंटल एबिलिटी टेस्ट में पूछे जाने वाले उन प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे जिनमें कि आपको कुछ आकृतियां दी जाती है और फिर उनके विश्लेषण करने की आपकी क्षमता को परखा जाता है। सबसे पहले मैं इन तरीके के प्रश्नों को हल करने का आपको एक सामान्य तरीका बताऊंगा और उसके बाद हम कुछ उदाहरण देखेंगे जिसमें कि इस तरीके को लगाने की कला को हम सीखेंगे। सबसे पहले एक सामान्य तरीका देखते हैं। ऐसे प्रश्नों में सामान्यतः आपको 4 से 5 आकृतियां दी होती है, कभी ज्यादा या कम भी हो सकती है, परंतु थोड़ी ज्यादा आकृतियां होती है। उन चारों पांचों आकृतियों में कुछ एक रिश्ता होता है, उस रिश्ते को आपको उन आकृतियों को थोड़ी देर तक देखते रहना होता है और उस रिश्ते को आपको पहचानना होता है। उसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि उन आकृतियों में एक जैसी कुछ आकृतियां हैं, उन सबके आपको समूह बना करके अलग अलग करके रखना है ताकि आपको विकल्पों में से सही विकल्प पहचानने में आसानी रहे। सामान्य तरीका यह है कि एक तो आपको रिश्ता पहचानना आना चाहिए 2 या 2 से अधिक आकृतियों में, और दूसरी बात यह कि आपको एक जैसी आकृतियां कौन सी है और कौन सी एक दूसरे से अलग है उसकी पहचान करना आना चाहिए। इसके बाद आपको खुद ही विश्लेषण करना है और पैटर्न की खोज करनी है। तो आइए एक उदाहरण देखते हैं। दी गई आकृतियों का विश्लेषण करके बताइए कि सही विकल्प कौन सा है। अब यहां पर आप देखिए कि आपको 9 आकृतियां दी गई हैं। यह है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 9 आकृतियां हैं। अब इन 9 आकृतियों में आप देख सकते होंगे कि कुछ आकृतियां एक जैसी हैं, कुछ थोड़ी सी अलग है और कुछ थोड़ी और अलग है। चलिए विकल्पों पे चलते हैं। ये रहे आपके विकल्प। इन विकल्पों में हमें यह देखना है, इन विकल्पों का मतलब क्या है। सबसे पहले तो ये देखते हैं। क विकल्प कहना चाहता है कि 1, 2, 3 यानी कि ये और ये एक ही समूह से है, 4, 5 और 6 किसी अलग समूह से, और 7, 8 और 9 किसी अलग समूह से। परंतु आप देख सकते होंगे कि 1, 2, 3 में 2, 3 तो एक जैसे लग रहे हैं परंतु पहला उनसे ज्यादा मेल नहीं खा रहा है। तो ऐसे ही अपन विश्लेषण करेंगे। अब प्रश्न में दी हुई आकृति को आप देखिए तो आपको पता लगेगा कि मुख्यतः 3 प्रकार के चित्र हैं। एक तो वो जिसमें एक आकार के अंदर दूसरा वैसा ही आकार है, जैसे कि ये एक आकार हो गया, उसके अंदर एक एकदम वैसा ही आकार है। तो वैसे कौन कौन से हैं? एक तो ये पहला, छठा और नौवा। फिर दूसरा प्रकार वो है जिसमें 2 आकार तो हैं, वो एक जैसे भी हैं परंतु एक दूसरे को काट रहे हैं, वो एक आकार एक दूसरे के अंदर नहीं है। तो वो हो गए चौथा, पांचवा तथा सातवा। और तीसरे प्रकार यह है कि उसमें केवल एक ही आकार है, बचे हुए तीनों उसी श्रेणी में है। तो ये हमने श्रेणियां बना ली। पहली श्रेणी में 1, 6 और 9 है, दूसरी श्रेणी में 4, 5 और 7 है, तीसरी श्रेणी में 2, 3 और 8 है। तो ये विकल्प ख विकल्प है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ख विकल्प सही विकल्प है। तो इस उदाहरण में आपने देखा कि किस तरह से हम दी हुई आकृतियों को अलग अलग समूह में बांट सकते हैं। आप उसके अंदर समानताएं ढूंढते हैं, उनमें क्या अलग अलग बातें हैं वो ढूंढते हैं, और इस तरह से आप उन्हें समूह में देख लेते हैं।
अब अगला उदाहरण हम देखेंगे जिसमें कि आपको दो आकृतियों में रिश्ता पहचानना होगा। दिए गए चित्रों को देखकर एक पैटर्न खोजिए तथा अगले चित्र का अनुमान लगाइए। तो इसमें देखिए तीन चित्र है और चौथा हमें दिए गए विकल्पों में से पहचानना है कि सही कौन सा है। अब यहां पर आप ये चार चित्र देख रहे होंगे, उनमें से एक हमें निकालना है, परंतु आप देखिए कि हर एक जो चौकोर है वो अपने ही अंदर चार चार चौकोरों को लेके बैठा हुआ है। ये देखिए हर एक आकृति के चार हिस्से हैं। तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि पहली आकृति दूसरी में कैसे बदली और दूसरी तीसरे में कैसे बदली। इनमें से जो समानताएं निकलेंगी उन्हें ही हम सही मानते हुए तीसरे पे उसी तरीके की क्रिया करेंगे जैसे कि पहले से दूसरे में हुई है, दूसरे से तीसरे में हुई है, और उन क्रियाओं से हम तीसरे से चौथे पर पहुंच जाएंगे। अब यहां पर देखिए पहले और दूसरे आकृति में जो रिश्ता है वो हम देखते हैं। ये वाला हिस्सा यहां जाता है, ये वाला हिस्सा यहां पर तो जाता है, परंतु तो थोड़ा सा बदल जाता है। बदलाव यह है कि हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि इसके बाएं या दाएं तरफ एक दर्पण रखा हुआ है, तो जो उसकी आकृति दर्पण में दिखेगी वो हम यहां पर देख रहे हैं। यहां वाली आकृति इसके ऊपर जाती है और ये जो आकृति है ये यहीं पर ही रहती है, परंतु तीर की दिशा उलट जाती है। ये तो हमने पहले और दूसरे के बीच में रिश्ता देख लिया। अब देखते हैं कि दूसरे और तीसरे में भी यही रिश्ता है या नहीं है। तो देखते हैं दूसरे से तीसरे में जाते हुए भी हम देख पा रहे हैं कि ये वाली आकृति यहाँ जा रही है, ये वाली आकृति यहाँ जा रही है। अब ये वाली आकृति ऐसी है कि इसके दर्पण में हम देखें या ना देखें ये एक ही बराबर रहती है। ये वाली आकृति बिना किसी दर्पण के ऊपर जाती है और ये वाला हिस्सा परिवर्तित होता है इस प्रकार कि तीर की दिशा उलट जाती है। तो तीर की दिशा फिर से उलट गई, तो इससे हम समझ सकते हैं कि पहले से दूसरे जाने में जो क्रिया हुई वही क्रिया दूसरे से तीसरे में जाने में हुई। तो जाहिर सी बात है कि तीसरे से चौथे में भी जाते वक्त वही क्रिया रही होगी। ये जो हमने रिश्ते देखे इसको ही हम तीसरे से चौथे पर लगाते हैं और सही विकल्प को तक हम पहुंचेंगे। सबसे पहले विकल्प देख लेते हैं। अब हमें रिश्ता तो पता है पहले से दूसरे में जाते वक्त क्या है, दूसरे से तीसरे से चौथे तक जाने वाला जो रिश्ता है वो भी वही होगा। तो चौकोर का ये वाला हिस्सा यहाँ पर जाता है, ये वाला हिस्सा यहाँ जाता है और इस प्रकार जाता है कि हमें ऐसा लगता है कि इसके दाहिनी तरफ या बाहिनी तरफ दोनों में से किसी भी एक तरफ एक दर्पण रखा हुआ है। ये वाला हिस्सा ऊपर की ओर जाता है और ये वाला हिस्सा रहता तो वही है परंतु तीर की दिशा उलट जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि तीर की दिशा कौन कौन से विकल्प में उल्टी हुई है। तो यहाँ पे नहीं उल्टी है तो ये वाला विकल्प गलत है, ये वाला भी विकल्प उसी कारण से गलत है। ये वाला विकल्प इसलिए गलत है क्योंकि तीर अपनी जगह से हिल गया है जो कि कभी हो ही नहीं सकता। तो हम केवल एक ही विकल्प पर पहुंचे परंतु बाकी भी उसके हिस्से देख लेते कि वो सही से बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं। तो ये उल्टे एस की आकृति यहाँ पर है तो ये सही बात है, तीर तो सही था ही, सितारा यहाँ पर पहुंच गया है तो वो भी सही बात है, और दो गोले अपने ऊपर की तरफ जाने चाहिए तो ये भी सही है, तो इसलिए घ विकल्प सही है। एक बार यही तरीका मैंने यहाँ पर लिखित रूप में प्रस्तुत कर दिया है, एक बार इसे पढ़ लेता हूं मैं। प्रश्न में दी गई आकृतियां देखकर यह बात सामने आती है कि हर एक चौकोर चार छोटे चौकोरों में बटा हुआ है। बाहिने तरफ के ऊपर वाला चौकोर अपने दाहिनी ओर चला जाता है, दाहिनी ओर के ऊपर का चौकोर बाहिनी ओर के नीचे वाले चौकोर में इस प्रकार परिवर्तित होकर चला जाता है जैसे उसके बाएं एक दर्पण रखा हो।
दर्पण दाईं ओर भी हो सकता है। बाहिनी ओर का नीचे वाला चौकोर अपने ऊपर चला जाता है और दाहिनी तरफ का नीचे वाला चौकोर कहीं नहीं जाता, परंतु तीर की दिशा परिवर्तित हो जाती है। इन रिश्तों के आधार पर हम कह सकते हैं कि विकल्प घ सही है। इस पाठ के लिए इतने उदाहरण अभी काफी हैं। एक बार फटाफट से देख लेते हैं कि इस पाठ में हमने क्या पढ़ा। इस पाठ में सबसे पहले तो हमने देखा कि किस प्रकार की आकृतियां होती हैं, फिर देखा कि दो उदाहरण हमने देखे जिसके द्वारा हमने पैटर्न खोजने की कला को सीखने का प्रयास किया। इन उदाहरणों के अलावा भी कई तरीकों से आपसे पैटर्न खोजने को पूछा जा सकता है, परंतु सामान्यतः हल करने का तरीका एक जैसा ही होता है। इसमें आपको दो एक जैसी आकृतियों में रिश्ता निकालना होता है, या फिर यूं ज्यादा अच्छे से मैं इस बात को कहूं तो ये आपको जानना रहता है कि पहली आकृति दूसरी आकृति में अगर तब्दील हो रही हो तो पहली आकृति में आपको क्या ऐसी क्रियाएं करनी है कि वो दूसरी आकृति में परिवर्तित हो जाए, वो क्रिया आपको पहचानना आना चाहिए। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आपको समूहों में बांटना होगा आकृतियों को कुछ समानताओं के आधार पर। मुझे उम्मीद है कि पैटर्न खोजने की कला थोड़ी सी आपकी और अच्छी हुई होगी। इस वीडियो में दिए गए उदाहरणों को आप अध्ययन कीजिए, उससे आपको पता लगेगा कि किस प्रकार पैटर्न खोजे जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको एनटीएससी की यह श्रृंखला अच्छी लग रही होगी और आप इन वीडियोस को देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।